नेपाल में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 60 लोगों की मौत, हजारों घर तबाह, गंडक, कोसी, बागमती और कमला नदी में मंडराया बाढ़ का खतरा, कोसी बराज पुल पर चढ़ा पानी, गेट नंबर 21 क्षतिग्रस्त, कोसी बराज को आम लोगों के लिए किया गया बंद। सीमावर्ती नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद गंडक नदी में भारी उफान है, कोसी बराज पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है, गेट नंबर 21 क्षतिग्रस्त हो गया है, बराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, बिहार के अन्य हिस्सों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंडक नदी में नेपाल से 6 लाख क्यूसेक सर्वाधिक डिस्चार्ज किया गया है। वहीं मधुबनी में कमला नदी का भी जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बीते 24 घंटों में कोसी नदी के जलस्तर में करीब 4 लाख क्यूसेक का उछाल आया है। नेपाल के बराहा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे 4,45,550 क्यूसेक पानी और कोसी बराज से 5,21,455 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है। कोसी के उफान से सुपौल सहित सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर जिलों में भारी तबाही मचने की आशंका है। यहां निचले इलाकों में पानी आना शुरू हो चुका है। कुछ घंटे बाद शाम 4 बजे अपडेट आया कि नेपाल ने कोसी बराज वीरपुर से 5,49,500 और गंडक बराज वाल्मीकि नगर से 5,01,650 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। फिर शाम 6 बजे कोसी बराज का डिस्चार्ज बढ़कर 5,67,760 हो गया। इसके साथ ही बिहार में बाढ़ की तबाही शुरू हो गई। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने संबंधित जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट जारी किया है। इस बीच नेपाल के फतुहा पुल के पास लालबकिया नदी का बांध टूटने से भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की तबाही का डर सामने आ गया है। इधर जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसको देखते हुए नेपाल प्रभाग स्थित कोसी बराज से वाहनों का परिचालन पूरी तरह से रोक दिया गया है। यहां बराज के ऊपर पानी आ चुका है। सुपौल में जिलाधिकारी कौशल कुमार खुद ही तटबंध के इलाकों की निगरानी करने में लगे हैं। उन्होंने बताया कि बीते 24 घंटों में नेपाल प्रभाग स्थित कोसी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में 200 mm से भी अधिक बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इसके कारण कोसी नदी अचानक उफना गई है। प्रशासन की ओर से माइकिंग कराई जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की जा रही है। प्रशासन की माइकिंग में स्पष्ट किया गया कि दोपहर 12 बजे की संभावित कोसी बराज का डिस्चार्ज बीते 56 वर्षों में सर्वाधिक है। डीएम ने बताया कि सर्वाधिक बाढ़ और कटाव के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कोसी नदी के जलस्तर में शुक्रवार की शाम से जारी उछाल के बाद सुपौल में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। यही कारण है कि बाढ़ का पानी फैलने के साथ ही लोग तटबंध के इलाकों से पलायन करने लगे हैं। कोसी के जलस्तर में अचानक हुए अप्रत्याशित वृद्धि से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं शनिवार को नेपाल के देवाघाट से 6.40 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके कारण इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी डिस्चार्ज किया गया है। लिहाजा दियारा के निचले इलाकों में नदी का पानी तेजी से फैलने लगा और गंडक नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो गई और बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल 21 वर्षों बाद नेपाल से नारायणी गंडक नदी में सर्वाधिक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद बाढ़ से त्रासदी की संभावना तेज हो गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटकों को खोलकर वाटर लेवल की प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है। कोसी और गंडक के अलावा नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण बागमती नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। तीनों नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बिहार के कई जिलों के निचले हिस्सों में बाढ़ का पानी आ चुका है। मधुबनी के कमला नदी में उफान आ गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। वहीं सुपौल, खगड़िया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर आदि जिलों के भी निचले हिस्सों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। बिहार लाइव नाउ के लिए मुकेश चौरसिया की रिपोर्ट।
अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।